नमस्कार दोस्तों, आज 3 जून 2022 है, 3rd of June 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक 5paisa का डीमैट लिंक है, वहां जाके अपना अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहां ये आपको सब जानकारियां मिलेंगी। ऑल्सो हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम न्यूली रीलॉन्च और रीपैकेज होके निकला है, तो जो भी लोग हमारे साथ लाइव मार्केट्स में दो दो घंटे हफ्ते में 3 बार स्पेंड करना चाहते हो फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह माइंडसेट पे, उनके लिए ये प्रोग्राम अच्छा है। और ये एक मंथली प्रोग्राम है जहां आपको ये सब गाइडेंस मिलेगी, तो इसके लिए कांटेक्ट करें 9871066337 पर। कल S&P 500 पे बहुत एक ज़बरदस्त रैली हुई, कुछ 75 पॉइंट्स की, और जैसा मैंने कल रात को भी बताया था कि ये 20 EMA पे सपोर्ट का मतलब ये है कि यहाँ से आपको एक वर्टिकल मूव मिलेगी। इसका मतलब ये भी है कि अब सेकेंड लेग ऑफ रैली शुरू हो गई है S&P 500 में और नैसडैक कंपोजिट में, क्योंकि दोनों में काफ़ी एक बड़ी रैली कल हमने देखी है। सिमिलर जगह से निफ्टी में भी रैली आई है, तो अगर हम निफ्टी को देखें तो यहाँ भी 20 EMA पे सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया। अभी इसका कंपैरिजन में अगर आप पीछे देखें, यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे 20 EMA का ने रेजिस्टेंस दिया है और उसके बाद आपने देखा है कैसे वर्टिकल नीचे बाजार आए हैं। सिमिलरली अगर 20 EMA सपोर्ट दे तो ऐसे ही वर्टिकल मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं, तो एक सेकेंड लेग अब इन बाजारों में शुरू हो रहा है। आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्योंकि कल बैंक निफ्टी नहीं चला तो यहाँ पे एक नैरो रेंज बार बनी है और उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी के चलने का जो है स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि जैसे रिलायंस और CNXIT कुछ हद तक कंसोलिडेट करेंगे, बैंक निफ्टी चल सकता है। अगर हम SGX निफ्टी देखें इस वक्त कहाँ है, तो SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 16796 पर है, तो ये जो है 16800 क्रॉस कर रहा है। अब जैसा मैंने कल बताया था कि बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस हैं जिनके ऊपर ये ऊपर से जंप करने वाला है, तो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट्स कल अक्यूमुलेट हुए हैं, निफ्टी में ऊपर की तरफ अक्यूमुलेट हुए हैं, तो ये जो 4 दिन की कंसोलिडेशन थी, ये अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने वाली है, तो इसमें आपको इस तरह की एक्सपेंशन मिलने का बहुत बढ़िया चांस है। ये तो व्यू हुआ मार्केट पे। अब इसमें एक चीज में मैं कॉशन करूंगा
बहुत बड़ा गैप होने वाला है। कल हम बंद हुए थे 628 पे और आज खुलने वाले हैं 16800 पे, तो 180 पॉइंट्स का गैप है। तो मेरे हिसाब से इनिशियली एंट्री ना करें, वेट करें कि ऊपर गैप से खुलने के बाद कुछ नीचे आए और फिर जो है कहीं यहाँ R1 के आसपास से वापस चले। R1 से ऊपर खुलना चाहिए, मुझे नहीं लगता R2 से ऊपर खुलेगा, लेकिन अगर R2 से भी ऊपर खुलता है तो फिर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ट्रेड खत्म हो जाएगा। R1 से ऊपर खुलता है और यहाँ तक आता है तो इस तरह के प्राइस एक्शन पे आपको एंट्री करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पे क्योंकि इतनी बड़ी एक्सपेंशन कल नहीं थी तो वहाँ पे एक ज़्यादा पॉसिबल ट्रेड नज़र आता है। तो बैंक निफ्टी में कल हम नैरो रेंज में थे, तो आप यहाँ से इस लेवल के ऊपर अगर आप निकलते हैं 35,750 के ऊपर, तो आपको अच्छी जो है कॉन्टिन्यूएशन मिल सकती है। बट निफ्टी पे जो है इतने बड़े गैप अप के बाद एंट्री करना शायद बहुत समझदारी नहीं है। डिप्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि अब कोई डिप ही नहीं आएगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहां तक बात है, इंडसइंड बैंक 940 कॉल बाय कर सकते हैं, 31 का स्टॉप, 46 का टारगेट। TCS जून 3400 की कॉल बाय कर सकते हैं, 85 का स्टॉप, 120 का टारगेट। अदानी एंटरप्राइज कॉल बाय कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसमें स्ट्राइक मेंशन नहीं है। अशोक लेलैंड बाय कर सकते हैं, 189 का स्टॉप और 139 का स्टॉप और 149 का टारगेट। और हीरो मोटो सेल कर सकते हैं, 2710 का स्टॉप और 2580 का टारगेट। तो ये कुछ कॉल्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए और वहाँ पे अगर अर्ली पार्ट ऑफ द डे पे पैसा मूव होता हुआ नज़र आए तो प्राइवेट बैंक्स पे, इंडसइंड बैंक पे कॉल भी है, वहाँ पे आपका रुझान होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से ये एक फ्रेश अप मूव शुरू हो गई है ग्लोबल मार्केट्स में और अभी और जून के महीने में आपको रैलीज देखने में मिलेंगी। तो आइडिया ये है कि लॉन्ग रहिए आज और अगले हफ्ते और इस एक्सपेंशन में आपको फर्दर अपसाइड मिलेगी। और बहुत से लोग प्रॉब्लम्स में परेशान हैं कि ये इन्फ्लेशन है, यूक्रेन है, ये है, वो है। वो प्रॉब्लम सबको पता है और उन प्रॉब्लम्स के बावजूद मार्केट ऊपर जाएंगे इस उम्मीद में कि वो प्रॉब्लम्स शायद जून के महीने में हल हो या उनका हल होने का इंडिकेशन हो। तो क्लाइंबिंग वॉल ऑफ वरी जो है वो सिनारियो आपको मिलेगा और उसमें फ़ायदा ये है कि जिस दिन प्रॉब्लम सॉल्व होंगी उस दिन मार्केट्स जो है टॉप आउट होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें कि प्रॉब्लम्स की जानकारी सिर्फ आपको नहीं है, पूरे बाजार को है और प्राइस्ड इन है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा रहे। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। टेक केयर एंड गुड लक।